गाजा पर इसराइल का भीषण हमला, अल शिफा अस्पताल के पास की बमबारी, हमले में 60 लोगों की मौत, आसमान में उठा धुएं का गुबार। गाजा में हमास लड़ाकों के खिलाफ इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन तेज, सुरंग में छिपे हमास लड़ाकों पर किया हमला, आईडीएफ का दावा, कई लड़ाकों की मौत। दक्षिणी गाजा में इसराइल का भीषण हवाई हमला, अटैक में 5 लोगों की मौत, कई लोग घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हमास ने गोरिल्ला वॉर का वीडियो जारी किया, वीडियो में गोरिल्ला वॉर करते दिखाई दिए हमास के लड़ाके, कई सैन्य वाहनों को किया तबाह। गाजा में इजरायली सेना के हवाई हमले में भारी तबाही, ओसामा बिन जायद स्कूल पर आईडीएफ ने की बमबारी, हमले में कई लोग घायल। अल जजीरा का दावा, उत्तरी गाजा में इसराइल ने स्कूलों और रिहायशी इलाकों पर की बमबारी, आईडीएफ के हमले में 20 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत, दर्जनों घायल। गाजा में रॉकेट हमले में बाल बाल बचे पत्रकार, हमले के बाद छिपने के लिए भाग रहे पत्रकार, अटैक के बाद गाड़ियों और कारों के शीशे टूटे। गाजा पट्टी पर इसराइली हमले में भारी क्षति, 9,200 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत, मरने वालों में करीब 4,000 बच्चे और 2,000 से ज्यादा महिलाएं शामिल। गाजा में खान यूनिस में इसराइल के हमले में भारी तबाही, इसराइली हमले में कई रिहायशी इमारतें तबाह, 17 लोगों की मौत, कई घायल। गाजा और मुजाहिदीन के समर्थन में लीबिया में प्रदर्शन, हाथ में झंडे लेकर लोगों ने की नारेबाजी, इसराइली हमलों की निंदा की। इसराइल के तेल अवीव में हमास के हमले के बाद दहशत, पूरी रात तेल अवीव में बजे खतरे के सायरन। इसराइल के हमले के बाद अल शिफा अस्पताल में छाया अंधेरा, जनरेटर बंद होने के बाद अंधेरे में डूबा अस्पताल, मेडिकल समेत कई सेवाएं बंद। जंग में इसराइली सैनिकों के साथ अल कसम ब्रिगेड का झड़प का वीडियो सामने आया है, आईडीएफ पर फायरिंग करते नजर आए ब्रिगेड के लड़ाके। गाजा में त्रासदी के बाद मिस्र की रेड क्रिसेंट सोसाइटी की दुनिया से अपील, कहा गाजा में राहत सामग्री खत्म, मदद के लिए आगे आए देश। इसराइल हमास युद्ध को लेकर बोले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, का जंग में इसराइल अकेला नहीं, अमेरिका उसके साथ खड़ा है। इसराइली पीएम नेतन्याहू का बयान, का बंधकों की रिहाई के बिना हमास के खिलाफ नहीं रोकेंगे लड़ाई, लक्ष्य हासिल करने तक नहीं रुकेंगे। उत्तरी गाजा में हमले के बाद अस्पताल में चरमराई, बिजली सेवा, ईंधन खत्म होने से 24 घंटे में जनरेटर सेवा पर संकट, खतरे में दर्जनों मरीजों की जिंदगी। इसराइल ने गाजा में इंडोनेशियाई अस्पताल और स्कूलों पर किए हवाई हमले, इसराइल के हमले में भारी तबाही, कई फिलिस्तीनियों की मौत। इसराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के बाद दुनिया भर में गाजा के समर्थन में प्रदर्शन, लंदन के रेलवे स्टेशन पर इसराइल के हमले का लोगों ने किया विरोध, नारे लगातार गाजा का समर्थन, नारे में लगातार लोग गाजा का समर्थन करते नजर। लंदन के किंग्स क्रॉस स्टेशन पर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शनकारियों पर एक्शन में पुलिस, नारेबाजी कर रहे एक शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसराइल के हाइफा पोर्ट के पास भीषण धमाका, धमाके के बाद 20 फीट से ज्यादा उठी लहरें, धमाके से किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं। यरूशलम के हेब्रॉन में इजरायली सेना और हमास लड़ाकों में झड़प, दोनों के बीच हो रही भीषण गोलीबारी, टावर को बनाया निशान। गाजा में इजरायली सेना का एम्बुलेंस पर हमला, आईडीएफ का दावा एम्बुलेंस में हथियार ले जा रहे थे हमास के लड़ाके, वहीं फिलिस्तीन का दावा एम्बुलेंस में थे घायल मरीज। गाजा से इजरायली सैनिकों का रेस्क्यू, 260 जख्मी सैनिकों को निकाला गया, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गाजा में रेस्क्यू के लिए 150 टीमें तैनात।